हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक माय एग्ज़ाम। और रेलवे ग्रुप डी के लिए एक नया सेशन लेकर आज हम आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने बात की थी कि जनरल साइंस के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ क्विज़ चाहिए, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्विज़। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो फिज़िक्स को रिलेट करते हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो एक के बाद एक हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज का हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पहली स्लाइड लगाई जाए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन? तो ओशियंस की गहराई को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी फ्लक्सोमीटर, ऑप्शन सी एंडोस्कोप एंड ऑप्शन डी फैथोमीटर। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आप बताएं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ओशियंस की गहराई को, डेप्थ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल है आपके सामने, तो यहां पर आंसर आया है फैथोमीटर। फैथोमीटर इसका आंसर आया है। और ये आंसर मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल सही जवाब है। फैदोमीटर जो है वो ओशियंस की गहराई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा जो गैल्वेनोमीटर है वो इलेक्ट्रिक करंट, फ्लक्सोमीटर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स, और एंडोस्कोप जो है वो बॉडी में जो इंटरनल पार्ट्स हैं उन्हें एग्जामिन करने के लिए इस्तेमाल हुए जाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं। और यहाँ पर जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी लोग जुड़ गए हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर जवाब आ चुका है ऑप्शन डी फैथोमीटर, जो कि यूज किया जाता है ओशन की गहराई को मापने के लिए। अगले सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर? बड़ा ही सीधा सा और इजी सा सवाल है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहां पर यूज किया जाता है, कौन सा उपकरण है जो इसका इस्तेमाल किया जाता है? बैरोमीटर, बैरोग्राफ, बोलोमीटर या कैलिपर? तो यहां आपके सामने सवाल है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो यहां जवाब आया है बैरोमीटर। सभी लोग कह रहे हैं ऑप्शन ए बैरोमीटर, जो बिल्कुल सही जवाब है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बैरोग्राफ जहां पर रिकॉर्डिंग आती है, बोलोमीटर जो है वो हीट रेडिएशन को देखता है, जबकि कैलिपर जो है वो किसी भी बॉडी के इनर और आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सही जवाब है बैरोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। न्यूटन इज यूज टू मेजर, बताइए न्यूटन का इस्तेमाल इसमें से किसको मेजर करने के लिए किया जाता है, किसकी यूनिट है? स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स या फिर एरिया? स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स या फिर एरिया? न्यूटन। कैलिपर वो इंस्ट्रूमेंट है, पूछा है किसी ने कैलिपर क्या है। कैलिपर वो इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी बॉडी के आउटर और इनर डायमीटर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर सभी लोगों ने जवाब दिया है फोर्स, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो न्यूटन यूनिट इज फोर्स। अगले सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल है यूनिट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर की यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड, पास्कल, वॉट या फिर न्यूटन पर मीटर? तो यहां आपके सामने अगला सवाल है यूनिट ऑफ प्रेशर, न्यूटन सेकंड, पास्कल, वॉट या फिर न्यूटन पर मीटर? तो यहां पर जवाब आया है पास्कल। और लोगों ने क्या जवाब दिया है? ज्यादातर लोग कह रहे हैं ऑप्शन बी पास्कल। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, सीधा सा सवाल। प्रेशर की क्या यूनिट है? पास्कल। अगर हम न्यूटन सेकंड की बात करें तो इट इज द यूनिट ऑफ इंपल्स, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो यहां पर जवाब बिल्कुल सही, पास्कल। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। हु डिस्कवर्ड एटम? तो यहां पर बात है कि एटम को डिस्कवर किसने किया था? मैडम क्यूरी, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड या फिर जॉन डाल्टन?
तो यहां किसी ने लिखा है कैलिपर इज ऑल्सो यूज टू मेजर लिटिल लेंथ एंड डेप्थ फॉर ऑल्सो। ओके बिल्कुल सही जवाब, लेकिन जो उसका मेजर यूज है दैट इज टू डिटरमाइन द डायमीटर। तो हालांकि आपका जवाब बिल्कुल सही है। हु डिस्कवर्ड एटम, मैडम क्यूरी, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड या फिर जॉन डाल्टन? तो यहां पर आंसर आ रहा है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं सी, लेकिन यहां पर जॉन डाल्टन का नाम भी लिया गया है। तो मैं बताना चाहूंगा इसका सही जवाब है जॉन डाल्टन। मैडम क्यूरी हैज डिस्कवर्ड रेडियम, जेम्स चैडविक हैज डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड हैज डिस्कवर्ड प्रोटॉन, वेयर इज एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, तो आप मुझे बताएं कि लाइट ईयर जो है वो किसकी यूनिट है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, लाइट, डिस्टेंस और द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो आप मुझे बताएं सवाल नंबर 6 का जवाब, लाइट ईयर इनमें से किसकी यूनिट है? टाइम की, लाइट की, डिस्टेंस या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट? तो यहां पर आंसर आया है डिस्टेंस, और ये जवाब बिल्कुल सही है। लाइट ईयर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल बुक स्कूल्स में कि लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है। जब हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज की, सन, अर्थ, मून, इन सब की दूरी की बात करते हैं, तो यहां हम गैलेक्सीज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो हम लाइट ईयर में बात करते हैं। अगला सवाल है आपका, स्केलर क्वांटिटीज आर, चार ऑप्शन है आपके सामने, आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कहता है कि स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऑप्शन ए, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो मैग्नीट्यूड ओनली एंड ओनली डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड नहीं होता है लेकिन डायरेक्शन होती है। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, या फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें ना तो मैग्नीट्यूड होता है और ना ही डायरेक्शन होता है। तो यहां पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और यहां पर जवाब आया है ऑप्शन ए, और मैं बताना चाहूंगा जवाब बिल्कुल सही है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात वहां नहीं होती है। तो इसका जवाब बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, स्केलर क्वांटिटी। ओके, विच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड लॉ या ऑल ऑफ द अबव? तो यहां पर जवाब आया है ऑप्शन ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि अगर कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, और अगर कोई बॉडी इनिशियली मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स लगाकर उसे रोका ना जाए। तो यहां पर जो बात है, लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो अब हम बात करेंगे अगले सवाल की, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी बॉडी मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। ऑप्शन बी है, द रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ऑप्शन सी है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि यहां पर सही जवाब क्या होगा, इनमें से कौन सा लॉ है जिसे न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं? तो यहां पर सभी लोगों ने कहा है ऑप्शन सी, टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जवाब बिल्कुल सही है। पहले ऑप्शन की बात अभी हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि जब तक कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट में है वो जब तक रेस्ट में रहेगी या जब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन,
जबकि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो कहता है दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. तो मोमेंटम में जो चेंज होगा वो उतना ही होगा जितना आप फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे. तो न्यूटन के तीनों लॉ बहुत ही जरूरी हैं और बहुत ही बेसिक हैं. आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ. एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड. कोई बॉडी अगर गतिशील है, मोशन में है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक या पोटेंशियल या फिर दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं. तो यहां पर जवाब आया है ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी. और यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है. कोई बॉडी मोशन में होती है तो इट पजेसेस काइनेटिक एनर्जी, वेयर एज अ बॉडी इन द रेस्ट पजेसेस पोटेंशियल एनर्जी. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. सोलर सेल कन्वर्ट्स. तो एक सोलर सेल जो होता है वो क्या करता है? इट कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, या फिर सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी. तो बताइए एक सोलर सेल इनमें से कौन सा कन्वर्जन करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, सोलर को इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल को लाइट में? कौन सा कन्वर्जन यहां पर सोलर सेल करता है? यहां पर जवाब आया है ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और सभी लोगों ने यहां पर सी ऑप्शन चुना है और बहुत ही सवाल इजी था. तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में. और आज हम जानते हैं कि दुनिया को सोलर पावर प्लांट्स की या फिर सोलर एनर्जी की कितनी जरूरत है. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो एक सीधा सा सरल सा क्वेश्चन. उसके बाद अगला सवाल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड. सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, या नन ऑफ द अबव. जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, या फिर नन ऑफ द अबव. तो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सिंटू जी मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी, आप सुन सकते हैं मुझे, मैं हिंदी में ही आपको बता रहा हूं कि दो अलग अलग सब्सटेंस के डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच कौन सा फोर्स होता है. तो यहां पर जवाब आया है एडहेसिव फोर्स. बिल्कुल सही जवाब है एडहेसिव फोर्स. और जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स होता है वो कहलाता है कोहेसिव फोर्स. तो यहां पर जो जवाब होगा वो आंसर सी है, ऑप्शन सी है, एडहेसिव फोर्स. अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे. व्हाट इज हुक्स लॉ. तो हुक लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ऑप्शन बी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ऑप्शन सी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, या फिर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो यहां पर आपसे जो सवाल है वो हुक्स लॉ पर पूछा गया है. तो किसी ने लिखा है कि दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम, हाई लेवल क्वेश्चन. तो मैं बताना चाहूंगा ये फिजिक्स की पहली क्विज क्लास है और मुझे सबका लेवल देखकर चलना है. हमें बेसिक से शुरू करना है, उसी के बाद हम हाई लेवल पर पहुंचेंगे. आई होप आप इतना समझेंगे. तो हुक्स लॉ जो है वो किसकी बात करता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो यहां जो जवाब है वो बिल्कुल सही कहा है जिन लोगों ने कहा है ऑप्शन बी, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल की. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स आर द टाइप्स ऑफ. तो जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स वेव्स होती हैं वो इनमें से किस तरह की वेव होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दोनों का ही कॉम्बिनेशन होती है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपके सामने सवाल है 14वां और आपको बताना है कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं वो इनमें से कौन सी टाइप की वेव्स होती हैं? मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, बोथ, या नन ऑफ द अबव.
यहां पर जवाब आया है मैकेनिकल वेव, ऑप्शन ए। तो ये जो जवाब है बिल्कुल सही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं, दे आर द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। बिल्कुल सही जवाब है जिन लोगों ने कहा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑडिबल साउंड वेव्स? तो आप बताइए, इनमें से आपके सामने चार ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, कितने से कितने फ्रीक्वेंसीज तक की जो साउंड वेव्स है दे आर ऑडिबल, हम सुन सकते हैं। तो ऑप्शन ए है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, ऑप्शन बी है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हजार हर्ट्ज के बीच में है, या फिर जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हजार से ज्यादा है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ऑडिबल वेव्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है। व्हाट आर ऑडिबल साउंड वेव्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो यहां 15वें का जवाब आया है ऑप्शन बी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही जवाब है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुनने की क्षमता होती है साउंड वेव्स, दे आर ऑडिबल। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, विच लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स? आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा लॉ है जो कहता है कि किसी बॉडी से जिस रेट से हीट जो है लूज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज के, कि टेम्परेचर उस बॉडी का और सराउंडिंग का उनमें कितना डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर और उसके सराउंडिंग्स के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस रेट के जिस रेट से वो बॉडी हीट को लूज करेगी। तो आप बताएं ये कौन सा लॉ कहता है, डॉपलर इफेक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, किरशॉफ लॉ या फिर स्टेफन्स लॉ? तो यहां पर जो सवाल है वो बात करता है लॉस ऑफ हीट बाय अ बॉडी। तो यहां पर जो जवाब है ऑप्शन बी भी कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब होगा किरशॉफ लॉ। किरशॉफ लॉ बात करता है हीट लॉस की, और वो कहता है कि किसी बॉडी से जो हीट लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट के डिफरेंस के, किन किन के बीच, सराउंडिंग और उस बॉडी के टेम्परेचर के बीच। अगला सवाल आपके सामने, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बहुत ही सीधा सा, इजी सा बेसिक सवाल कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, और द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड इन वैक्यूम, या फिर नन ऑफ द अबव। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह रेशियो होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि अगर रेशियो है तो ये रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम टू द वैक्यूम है या फिर टू द वैक्यूम एंड द मीडियम है। तो आपको देखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में। और 17वें का जो यहां जवाब आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है बी। और मैं बताना चाहूंगा ये जवाब बिल्कुल सही है कि जो ये रेशियो होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये रेशियो होता है किस चीज का रेशियो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, पहले वैक्यूम लेंगे हम, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, विच आर दी प्राइमरी कलर्स? इनमें से कौन से कलर्स हैं जिन्हें कहा गया है प्राइमरी कलर्स, येलो ग्रीन ब्लू, रेड मजेंटा ब्लू, रेड ग्रीन व्हाइट या फिर रेड ग्रीन ब्लू? तो आपके सामने जो है चार ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि इनमें से प्राइमरी कलर्स कौन से होंगे, येलो ग्रीन ब्लू, रेड मजेंटा ब्लू, रेड ग्रीन व्हाइट या फिर रेड ग्रीन ब्लू? और यहां पर जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन बी। कुछ लोग डी भी कह रहे हैं, अब ज्यादातर लोगों ने कहा है डी, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, रेड ग्रीन और ब्लू दे आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स बिकॉज यू कैन ऑब्टेन एनी कलर बाय मिक्सिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कलर्स। इन कलर्स को आपस में मिलाकर आप कोई भी दूसरा कलर बना सकते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं प्राइमरी कलर्स। और अगले सवाल की तरफ चलेंगे, द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इंटू टू न्यूक्लियाई ऑफ नियरली इक्वल मास इज कॉल्ड, उस न्यूक्लियर रिएक्शन का आप नाम बताएं जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो दो में बट जाता है और उनका मास जो दो में बटा है उन दोनों का मास लगभग बराबर होता है। ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर फिजन,
देन न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर फास्ट ब्रीडिंग। तो आपके सामने जो है चार ऑप्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर फास्ट ब्रीडिंग। चार ऑप्शन है आपके सामने और इसका जवाब आया है न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन बी न्यूक्लियर फिजन। और ये जवाब बिल्कुल सही है, न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस होता है जो वो दो में बट जाता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे दोस्तों, विच यूनिट वी यूज टू एक्सप्रेस न्यूक्लियर साइज। तो आप बताएं कि न्यूक्लियर साइजेस को डिटरमाइन करने के लिए या उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए न्यूक्लियर लेवल पे हम देखते हैं जो साइजेस को, वो यूनिट क्या है, टेस्ला, न्यूटन, फर्मी या नन ऑफ दी अबव। टेस्ला, फर्मी, न्यूटन या फिर नन ऑफ दी अबव। आपको बताना है कि न्यूक्लियर साइजेस को डिटरमाइन करने के लिए एक्सप्रेस करते हैं हम, जैसे वेट को हम किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इसे हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं। यहां पर आंसर आया है फर्मी। तो मैं देखता हूं इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फर्मी, और ये बिल्कुल सही जवाब है। तो न्यूक्लियर साइज के लिए यूनिट है फर्मी। तो आज का जो हमने सेशन देखा इसमें हमने कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे फिजिक्स के, हालांकि काफी बेसिक थे लेकिन हम यहीं से शुरुआत करेंगे और थोड़ा हायर लेवल पकड़ेंगे। तो काफी लोगों ने कहा कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन हम शुरुआत हमेशा बेसिक से ही करते हैं। उम्मीद है आज का सेशन अच्छा रहा आपके लिए और आगे के सेशन में हम बात करेंगे साइंस की, जनरल साइंस की और क्लासेस की। थैंक यू सो मच।